अज मेरी वाइफ सवेरे सवेरे तैयार होन डई शीशे अगे बैठी ते मैनू कहिंदी मैं ज्यादा मोटी तो नहीं लगती। कलेश तो डरदे मारिया मैं क्या ना ना बिल्कुल नहीं। आंदी चलो फिर मैनू ना फ्रिज तक चुक के खड़ो मैं आइसक्रीम खानी है। हालात बेकाबू होंदे वेख के मैं क्या मैं तू इत्थे बैठ मैं फ्रिज ही चुक लियाउंदा वा। रिश्तेदारां तों मिलिया पेंट कमीज दा कपड़ा कदे सवाया नहीं जांदा, बस रिश्तेदारी च घूमदा रहिंदा। मैं ते मेरी वाइफ बाजार जान डे हैं, मैं अपनी वाइफ दा हाथ फड़िया आया है। अगो मेरा एक फ्रेंड मिल गया कहिंदा बल्ले इन्ने सालां बाद भी इन्ना प्यार। ओ मैं भरावा केड़ा प्यार, हाथ छड्डो ते दुकान च वड़ जांदी है। मैं एक दिन वकील को गया, मैं वकील साहब जे मैं सरकारी ठेके तो दारू लैके पीवा ते मेरी जनानी मैनू रोके ते की मैं ओनू सरकारी काम च विघन पाउण दे केस विच अंदर करवा सकदा। वकील कुर्सी तो उठ के खड़ा हो गया, मैनू घुट के जफी पाई। मैनू आंदा कित्थों एहो जिहियां सलावां लै आंदे हो, पहली कारवाई मैं। बापू ओ बापू। हाँ दस पुत। मेरा विवाह कर दे यार। तेनू कहड़े कंजे ने कुड़ी देनी आ? क्यों तेनू नहीं दित्ती? फिटे मुँह तेरा। दोस्तों दशहरा आने वाला, तुहानू पिछले दशहरे की गल सुना। माता एक ग्राउंड चो दशहरा वेख के बाहर आई ते जलेबियां पवाईया किलो। जलेबियां पवा के तुर पी, जलेबियां वाला आंदा माता पैसे ते दे जा। माता आंदी रावण दे भोग ते आए आ, पैसे काहदे भालदा। 13 साल लग गए ये साबित करन भी सलमान खान ने दारू पीती ही कि नहीं पीती। ते हाडियां जनानियां फोन तो पछाण लैणगियां भी जे डफ लियो तो हुण आ जा घर। मेरा जदों विआह होया नवा नवा, मेरी घरवाली ते थोड़ी जी घट पढ़ी लिखी पर विचारी सुभाअ दी बड़ी चंगी आ। ते मैं ओहनू कहा मैं भी हरजीत चल तैयार हो मैं हनीमून ते चलीए। आंदी मैं भांडे मांजण डई तुसीं डैडी नूं लै जाओ। साडा गुआंढी आ इक तारा सिंह, ਉਹ ਕੱਲ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਓ ਹੋਰ ਪਾਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਜਾਲੀ ਥਾਣੀ ਕੱਢੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡੇ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਾ ਸਹੇਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਡੇ ਕਰਨ। ਕੁੱਕਰ ਨੇ 5-7 ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਰਸੋਈ ਚੋ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਲ ਚੜਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਜਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਸੜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਦਾਲ ਸੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੜ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀਓ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਂਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताएंगे, एंड ऑप्शन बी 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 आई चूज बी बी हाँ बी बेबी ये मेरा दोस्त है, आज डिनर पे आया है। क्या डिनर पे लेके आयो? दिमाग खराब है तुम्हारा? घर की हालत देखिए, मेरी हालत देखिए, कपड़े देखिए मेरे, मैं नहीं बना रही कोई डिनर, मेरे बस की नहीं है, लेके जाओ इसे यहाँ से। बेबी ये बेवकूफ शादी करने की सोच रहा था, मैंने कहा पगले पहले एक डेमो तो देख ले।